हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं देवांश स्वागत करता हूं क्रिकेट कीड़ा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब हम आपसे ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आईपीएल 2020 के ऑक्शन की तारीख, जगह और किस टीम के पास कितनी राशि है और कितनी दी जाएगी उसकी जानकारी आ चुकी है। और सबसे पहले क्रिकेट कीड़ा आपको जानकारी दे रहा है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही साथ आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक क्रिकेट कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट से किसी को परहेज होगी। आप क्रिकेट पैर हो, आपको परहेज क्यों होगी, तो बस सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हमारा लेटेस्ट अपडेट आएगा, आपके मोबाइल की घंटी जरूर बजेगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आईपीएल ऑप्शंस, आईपीएल शुरू होने से पहले अगर आईपीएल फैंस को किसी का बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है तो वो होता है आईपीएल ऑक्शन। इसका कारण क्या है, उनकी फेवरेट फ्रेंचाइजी से कौन सा स्टार खिलाड़ी खेलेगा, ये जो जानने की तलब होती है कि किसी भी आईपीएल फैन के लिए किसी बड़ी खुशी से बढ़ के खुशी होती है। क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आप काफी बाहर के खिलाड़ियों के फैन होते हो और अपने देश की तरफ खेलते हो, उनको नहीं देख सकते हो, बट आईपीएल के जरिए आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एबीडी के कितने फैंस हैं इंडिया में, तो बैंगलोर के फैंस बहुत लगे होंगे, वो एबीडी को अपनी टीम से खेलता हुआ देखे एंजॉय कर पाते हैं। तो खैर, ये था सिग्निफिकेंस आईपीएल ऑप्शन का। तो अब की बार आईपीएल ऑप्शन 19 दिसंबर 2019 को कोलकाता में आयोजित किए जाएंगे। पिछले काफी सालों से ये बैंगलोर में आयोजित हो रहा था, अब की बार ये चेंज ऑफ वेन्यू हुआ है और ये कोलकाता में होगा। सुबह 8 बजे से ये ऑक्शन शुरू हो जाएगा, तो सुबह 8 बजे अपनी टीवी खोल के बैठ जाइए, क्योंकि तो ऑक्शन शुरू हो चुका है। ऑक्शन इज लाइक प्री आईपीएल। तो अब की बार बीसीसीआई ने एक और ऐलान किया है कि हर बार हर टीम का बजट जो है 82 करोड़ होता था, 82 करोड़ रुपए होता था, पर अब की बार बीसीसीआई ने 3 करोड़ बढ़ा दिए, यानी कि अब हर टीम के पास हो गए हैं 85 करोड़, 85 करोड़ हर टीम के पास अब हो गई होगा। और एक और अच्छी बात बीसीसीआई ने ये भी करेगी, आपने पिछले साल जो कंजूसी की थी आपको उसका फायदा मिलेगा। इसका कारण ये होगी, आपके जो बजट है उसमें वो पिछले साल की जो बची हुई राशि है वो ऐड करी जाएगी। तो अब हम आपको बता देते हैं कि किस टीम के पास कितनी राशि पिछले साल से बची हुई है। तो अगर हम बात करें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो उनके पास 1.80 करोड़ बचे हैं। तो उन्होंने पिछले साल बहुत बिल खोल के खिलाड़ी की खरीदारी की थी, तो अब उनके पास थोड़ा कम पैसा बचा है, तो 1.80 करोड़ अगर 85 करोड़ में ऐड कर तो ऑलमोस्ट 87 करोड़ रुपीज उनके पास अब होगा इस ऑप्शन में। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, जो पिछले साल उप विजेता रहे थे, उनके पास 3.2 करोड़ रुपीज, तो महेंद्र सिंह धोनी की आर्मी के पास 3.2 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, और 85 में ऐड कर तो 88.2 करोड़ अराउंड उनका अब इस समय बजट में होगा। बात करें मुंबई इंडियंस की, तो 3.05 करोड़ रुपीज उनके पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, 3.05 करोड़ रुपीज उनके बकेट में है और उनके पास 88 करोड़ 5 लाख रुपीज लमसम इस बार के आईपीएल ऑक्शन में होगा। बात करें किंग्स 11 पंजाब की, तो उनके पास 3.7 करोड़ रुपीज बचे हैं, तो ऑलमोस्ट 88.7 करोड़ उनके इस बार बकेट में होंगे बिफोर द आईपीएल ऑक्शन। अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो उनके पास है 5.30 करोड़ रुपीज। ये जो ऐसा फ्रेंचाइजी है जो बहुत कम में बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी ले लेता है, तो इसके पास ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए के ऊपर बचे, तो इस बार ये आईपीएल ऑक्शन में जाएंगे 90 करोड़ 30 लाख रुपए के साथ। एक अच्छी राशि है, मजबूत खिलाड़ियों के साथ एक अच्छा और मजबूत खिलाड़ी को कॉम्बो आराम से मिल सकता है। बात करें राजस्थान रॉयल्स की, जो 7.5 करोड़ इनका बचा है, इन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर जयदेव उनतकट को लेकर 11 करोड़ में ये दिखाया था कि ये बहुत दिलखोल है, बट इन्होंने उससे सबक लिया क्योंकि वो इतना शाइन नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने पिछले साल ऑप्शन में काफ़ी कंजूसी दिखाई थी, और इनके पास अब है 92.15 करोड़ रुपीज फॉर दिस ऑप्शन। अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो सबसे ज़्यादा राशि इन्हीं की बची थी 8.2 करोड़, तो अब की बार इनकी जो राशि है वो 93.2 करोड़ है फॉर द अपकमिंग आईपीएल ऑप्शन। तो ये थी बात ऑप्शंस की। अब आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूंगा, आईपीएल ट्रेडिंग विंडो वो अब जो क्लोज होगी वो 14 नवंबर को होगी। तो 14 नवंबर तक फ्रेंचाइजी आपस में खिलाड़ियों को एक्सचेंज कर सकते हैं, बार्गेनिंग डील्स पे जैसा भी उनको सही लगे।
तो खैर आईपीएल के ठीक एक महीने पहले लमसम ये ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और अभी से लमसम दो ढाई महीने रह गए तो सारे आईपीएल टीम्स पास मौका है कि वो खिलाड़ी को आपस में ट्रेड कर सकते हैं। माइक मार्केंडे को स्वैप किया है, शेन रदरफोर्ड से दिल्ली कैपिटल्स और रविचंद्रन अश्विन के लिए बात चल रही है। तो खैर ऐसी काफ़ी अभी ट्रेडिंग्स आपको और आने वाले समय में मिलेगी, जैसे समय नज़दीक आएगा तो ट्रेडिंग्स विंडो और ज़्यादा आपको सैचुरेट होते हुए दिखेगी। दोस्तों ये वीडियो था ऑप्शंस और ट्रेडिंग विंडो के लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स जो कि एक आईपीएल के बड़े फैन है उनको शेयर करिए और हाँ अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिए क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मिलती है वीडियो में एनर्जी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।